आपत्ति मानव अधिकार हनन की या उसकी चर्चा के साथ नहीं है। आपत्ति, और चूंकि ये हमारा डिस्कोर्स भी रहना चाहिए भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, आपत्ति है एक विद दी सेलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और सेलेक्टिव कंडेमनेशन कैसे होती है? क्या आप सैनिक के ऊपर तो आरोप लगा देते हैं बिकॉज सैनिक इज अ सॉफ्ट टारगेट, वो अनुशासन से बंधा है, जवाबी हमला कर नहीं सकता, आप बयान भी दे दीजिए आरोप भी लगाइए, लेकिन आप में इतना ना साहस है ना निष्ठा है कि आप एक आतंकी को आतंकी कह सकते। यू नीदर हैव बी करेज नॉर कन्विक्शन, दैट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ इम्प्रोप्राइटी, हमें आपत्ति उससे है। दूसरी सिलेक्टिव कंडेमनेशन विजाविस वन रीजन एंड अदर रीजन। यदि जम्मू की बात आए तो आप ऊंची आवाज में बुलंद में कहें क्योंकि वोट बैंक का वहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की आए तो आप दबी आवाज में कहेंगे या अपोलोजेटिक होकर कहेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि भाई उसने तो ऐसा किया लेकिन आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको किसी ने झापड़ मारा तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसने झापड़ क्यों मारा, आपने कहेगा करण सिंह जी गोली तो अभी ठीक नहीं। तो ये जो अपोलोजेटिक, दिस इज अगेन सिलेक्टिव कंडेमनेशन। और तीसरी तरह की सिलेक्टिव कंडेमनेशन आती है वीजा विज रिलीजन टू रिलीजन। सबकॉन्शियस माइंड में आपको लगता है ये मेरी बिरादरी का है, मेरे मजहब का है, मेरे धर्म का है, कहीं ना कहीं इसको मुझे प्रोटेक्शन देनी है, मुझे इसका लाभ रहेगा, तो आप फिर से अपोलोजेटिक हो जाते हैं। दूसरी आपत्ति है आपको सिलेक्टिव रिपोर्टिंग के साथ।